नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडियन प्राइम न्यूज और मैं आपके साथ विजय यादव। तो चलते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। देश में कोरोना महामारी की दूसरी लहर अभी खत्म नहीं हुई। ब्लैक और व्हाइट फंगस ने कहर बरपाना शुरू कर दिया। कई वैज्ञानिकों ने दावा किया है कि कोरोना वायरस और ब्लैक फंगस हवा के जरिए, नाक और मुंह के जरिए शरीर में पहुंच सकता है। इन दावों के बीच उत्तर प्रदेश के कानपुर से एक राहत भरी खबर आई। कानपुर यूनिवर्सिटी के PhD के छात्र बरेली में बायोटेक्नोलॉजी के शिक्षक डॉक्टर सौरभ मिश्रा और माइक्रोबायोलॉजिस्ट डॉक्टर ऋषभ चित्रांसी ने मिलकर एक ऐसा स्प्रे तैयार किया जिससे फंगस को शरीर से नष्ट किया जा सकता है। इसे बनाना भी आसान है। स्प्रे को बनाने के बाद उसका पहले कानपुर यूनिवर्सिटी की लैब में परीक्षण किया गया। परिणाम उत्साह बढ़ाने वाले थे। इसके बाद मानकों पर खरा उतारने के लिए CSIR, IITR, काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड रिसर्च लखनऊ के लैब में परीक्षण किया गया। डॉक्टर सौरभ मिश्रा ने बताया कि इस स्प्रे को घर पर भी बनाया जा सकता है। 1 ग्राम बेकिंग सोडा को 400 ml पानी में मिलाएं, फिर 20 से 25 बूंद नीम ऑयल और 1 ml लेमन ऑयल को मिलाकर इसका मिक्सर तैयार करें। इस तरह आसानी से स्प्रे को घर पर ही बनाया जा सकता है। सबसे अच्छी बात तो यह है कि यह हर्बल है और इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। डॉक्टर सौरभ ने आगे बताया कि हम लोगों ने इस स्प्रे को इस्तेमाल पपीते और रोटी के ऊपर किया था, ब्लैक फंगस पर किया। 2 दिन लगातार इसके स्प्रे करने के बाद ब्लैक फंगस की परत की सिर्फ ग्रोथ नहीं रुकी बल्कि वह पूरी तरह से नष्ट हो गया। अगर इस स्प्रे का प्रयोग हम कोविड मरीज के कमरे में व उसके आसपास प्रयोग हो रहे उपकरणों पर छिड़काव करें तो ब्लैक फंगस के संक्रमण से मरीज को बचाया जा सकता है। कोरोना संक्रमण से उभरे मरीजों में ज़्यादातर ब्लैक फंगस के मामले मिलते हैं। बीमारी आँखों पर असर करती है। इस संक्रमण के मामले काफ़ी दुर्लभ होते हैं। हमारे वातावरण में ये फंगस हमेशा मौजूद रहती है और ये कमज़ोर इम्यूनिटी वालों को शिकार बनाती है। US सेंटर फॉर डिसीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन के अनुसार ब्लैक फंगस एक दुर्लभ फंगस है। यह आमतौर पर आँखों और मस्तिष्क या स्किन के कट जाने, जलने या फिर स्किन की चोट के बाद भी फंगल संक्रमण हो सकता है। आपकी जानकारी के लिए बता रहे, सबसे बड़ी चिंता की बात तो ये है कि ब्लैक फंगस के इलाज में यूज होने वाली दवाइयों और इंजेक्शन का संकट बरकरार है। अस्पतालों में भी ये दवाइयां और इंजेक्शन नहीं है और ओपन मार्केट में भी नहीं मिल रही। ब्यूरो रिपोर्ट, IPN।